हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? फिर से मैं एक बार आप सभी बच्चों को ब्राइट कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं घर पे? सारे वीडियो को सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से देखिए, समझिए। अगर उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए कि सर ये समस्या है, तभी ना उसको दूर किया जाएगा। अच्छा चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है ये जानते हैं। इसके बारे में आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। पीछे के जो वीडियो बनाया उसमें मोलालिटी बताया, उसके पीछे मोलालिटी बताया, और आज आप लोग को नॉर्मलिटी बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। और ये चैप्टर ही पूरा न्यूमेरिकल वाला है। पहले ही हम फर्स्ट वीडियो में ही इस बात को आप लोग को अवगत कराए थे इस बात से कि ये जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ये पूरा के पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से है। और किसी भी एग्जाम में अगर हम लोग बैठते हैं तो उस एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी न्यूमेरिकल ग्रुप में रहता है। तो इसलिए तो न्यूमेरिकल तभी हम बना पाएंगे जब कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी को अच्छे तरीके से समझे रहेंगे। अगर कॉन्सेप्ट और थ्योरी अच्छे तरीके से अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। और न्यूमेरिकल जब नहीं बना पाएंगे तो थ्योरी रटने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक ना। तो जिस तरह से मोलारिटी पढ़ा है आप लोग को, वही सेम इसमें नॉर्मलिटी में। और मोलारिटी और नॉर्मलिटी में मात्र थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें विलेय के मोल की संख्या लिए थे और इसमें विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या लेंगे, यानी तुल्यांक की संख्या लेंगे बस, बाकी सेम जो उसका डेफिनेशन है वही। तो सबसे पहले हम लोग को इस टॉपिक से पढ़ने इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग को तुल्यांक की बात निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट। क्या चीज? इक्विवेलेंट वेट। हालांकि 11th क्लास में इसका जिक्र हम कर दिए हैं, ये तुल्यांक की भार हम लोग को 11 क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना है। तो न्यूमेरिकल तभी बनाने आएगा जब हम लोग को तुल्यांक की भार निकालना आएगा। तब आप देखिएगा ना, जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे इस टॉपिक का तो आपको स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि मोलारिटी और नॉर्मलिटी में कितने का डिफरेंस है। मोलारिटी में मोल प्रति लीटर था, इसमें मोल प्रति ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगा, यानी मोल की जगह पर ग्राम तुल्यांक लेंगे। उसमें मोल की संख्या लगाते हैं, इसमें ग्राम तुल्यांक की संख्या लेते हैं। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकाला जाता है तो आपको बताते हैं, पहले तुल्यांक की भार निकालना बताते हैं। तो तुल्यांक की भार डिफरेंस जो सब्सटेंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड होंगे सबके लिए अलग अलग सूत्र होता है निकालने के लिए। जैसे एसिड है तो एसिड का तुल्यांक की भार निकालने के लिए एसिड का अणु भार निकालते हैं और उसमें डिवाइड कर देते हैं उसमें जितने भी एच प्लस आयन त्यागने की क्षमता होती है उनकी संख्या से, ठीक। तो यानी अम्ल का तुल्यांक की भार बराबर क्या हुआ, अम्ल का अणु भार बटा में उसमें उपस्थित या कह सकते हैं उसमें जितने भी स्थापनियां एच प्लस आयन होंगे उनकी संख्या से डिवाइड कर देना आपको, ठीक। तो आपको फिर से एक बार बताएं, अम्ल का अणु भार बराबर अम्ल का तुल्यांक की भार बराबर अम्ल का अणु भार बटा में उसमें उपस्थित एच प्लस आयन की संख्या, न कि एच की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, हाइड्रोजन आयन की संख्या। जैसे हमसे कोई बात करता है कि H2SO4 का तुल्यांक की भार बताइए, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या समझा रहे हैं आपको, अम्ल का तुल्यांक की भार। तो अम्ल का तुल्यांक की भार जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिए कि H2SO4 इक्वल है, क्योंकि आप जानते हैं 11th क्लास में ही आपको पढ़ा दिया गया कि H2SO4 अम्ल है। तो अम्ल का तुल्यांक की भार बराबर, तो सूत्र बता रहा है कि अम्ल का अणु भार बटा में उसमें उपस्थित H प्लस आयन की संख्या। तो अब हम लोग को जानना है कि H2SO4 में कितने H प्लस है, तो आपको हम बताएं कि H2SO4 के यदि आप तोड़िएगा तो ये मिलता है 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। बहुत से लड़के कहते हैं कि हाइड्रोजन दो है इसलिए 2H प्लस हो गया, ठीक ना। और वहां से हम बता देते हैं, तो अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, H2SO4 बराबर M H2SO4 बटा में ये दो लिए, M क्या इंडिकेट कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 का अणु भार बटा में कितना, दो।
तो अब H2SO4 का आणविक भार आपको निकालने में बताया है कि हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 32 गुणे 1 प्लस 16 गुणे 4 अब बताया कितने 2 यानी इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 98 अपॉन 2 यानी इसका तुल्यांकी भार 49 हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो गया तो 49। तो बहुत से लड़के ये भी कर देते हैं कि H2SO4 का आणविक भार निकालते हैं और उसमें जितना H है उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो H से ही डिवाइड तो करना है, H प्लस की संख्या से डिवाइड करना है, H की संख्या से नहीं, H प्लस की संख्या से। अब एक एग्जांपल यहां आपको ले लेते हैं, जैसे कोई पूछ दे कि E CH3COOH इक्वल है, यानी एसिटिक एसिड का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो अब एसिटिक एसिड का जब तुल्यांकी भार पूछा जाएगा तो बहुत सारे लड़के करेंगे कि एसिटिक एसिड का आणविक भार निकालेंगे और इसमें उपस्थित H की संख्या से भाग देंगे। इसमें H की संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो ये बताइए H का ही होगा 3 4 हमारे को जाना है तो 4 से भाग देंगे नहीं। अब इसमें कितने H प्लस आयन हो सकता है उससे डिवाइड करना है। एसिड में वह एसिड एसिड किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू आरहेनियस कांसेप्ट। एसिड का डेफिनेशन क्या है, एसिड वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H प्लस आयन मुक्त करता है। तो H प्लस आयन जितने मुक्त करने की क्षमता होगी वही उसका H प्लस आयन की संख्या होगी। अब जैसे CH3COOH तो CH3COOH को अगर तोड़िएगा तो CH3COO माइनस और H प्लस, तो इसमें H प्लस की संख्या कितनी है 1 है। बहुत से लड़के कहेंगे कि सर तो बताएं कि अम्ल का अणु का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटा में उसमें उपस्थित H प्लस की संख्या। H प्लस से किया H2 को दिख रहा था तो 2 से भाग दे दिए, इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहा था 3 4 से भाग दे देंगे तो ऐसा करिएगा तो गलत हो जाएगा। अब इसके लिए क्या निकलेगा, तो एसिटिक एसिड का तुल्यांकी भार लिखिएगा E CH3COOH बराबर M CH3COOH अब बटा में कितना लिखिएगा 1। क्यों हम 1 लिखिए, क्योंकि इस एसिटिक एसिड में H प्लस आयन उत्पन्न करने की संख्या कितनी है 1, यानी H प्लस 1 ही दे सकता है। अगर ये 2 देता तो यहां 2 डिवाइड करते, 1 देगा तो 1, 3 देगा तो 3। तो ये हम लोग का है तुल्यांकी भार निकालने का, जैसे CH3COOH का आणविक भार निकाल दीजिए तो 1 * 12 + 1 * 3 + 1 * 12 + 16 + 16 + 1 बटा कितना है। अब इसको हल कर दीजिएगा तो ये एसिडिक एसिड का तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अम्ल का तुल्यांकी भार, जस्ट इसी तरह बेस का होता है, सबका अलग अलग है, 11th क्लास में मिला है। बेस का तुल्यांकी भार भस्म का तुल्यांकी भार बराबर, तो भस्म का अणु भार बटा में अब उसमें उपस्थित OH माइनस आयन की संख्या, किसकी संख्या OH माइनस आयन की संख्या। तो चूंकि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कांसेप्ट बेस का डेफिनेशन आपको हम बताए हैं कि भस्म वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस उत्पन्न करता है। अब जितना OH माइनस उत्पन्न करेगा वही ना, अब ये एसिड का ही। अब एक चीज आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कौन एसिड है और कौन क्या है बेस। तो ये एसिड में एसिड के लिए क्या करेगा कि वो जितना H प्लस आयन दे सकता है उसकी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे और उसकी संख्या से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो तुल्यांकी भार हो जाएगा एसिड के लिए। लेकिन जब बेस के लिए चलिएगा तो बेस में क्या होता है, बेस में यह हो जाएगा कि उसमें उपस्थित OH माइनस की संख्या से डिवाइड करना। जैसे अब यहां लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस भस्म का तुल्यांकी भार, तो भस्म का तुल्यांकी भार बराबर भस्म का अणु भार बटा में उसमें उपस्थित OH माइनस आयन की संख्या, OH माइनस आयन की संख्या। बेस का जब आप तुल्यांकी भार निकालेंगे तो किसका, बेस का। अब यहां देखिए जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लिए बेस CaOH के होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार, तो अब CaOH के होल ट्वाइस तो CaOH को तोड़ा जाएगा तो ये Ca डबल प्लस और 2OH माइनस, तो इसमें OH माइनस की संख्या कितनी है 2। तो अब इसका जब आप तुल्यांकी भार निकालेगा E CaOH के होल ट्वाइस का तो यह हो जाएगा M CaOH के होल ट्वाइस अब बटा में कितने 2। अब ये 2 कहां से लिए, क्योंकि इस कंपाउंड में OH माइनस ये जो कि बेस है तो OH माइनस आयन की संख्या कितनी है 2। अब इसका आणविक भार निकालिएगा तो ये 40 गुणे 1 आइए हो जाएगा आपको 17 यानी 16 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2 बटा में 2 यानी इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाता है 74 बटा 2 यानी इसका तुल्यांकी भार कितना 37।
ये बेस का एक और एग्जांपल है, मैंने बेस लिया जैसे सीई एन ए ओ एच। आप लोग को ऐसे बेस स्टार्ट का डेफिनेशन याद होना चाहिए और पहचान जाना चाहिए, क्योंकि 11th क्लास में आपको इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पढ़ाया गया था, वहां एसिड बेस और साल्ट का डेफिनेशन अनेकों प्रकार से बताया गया और पहचानने का तरीका भी अलग अलग बताया गया। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारी चीज नॉर्मल होगा, मजा आएगा पढ़ने में। ENaOH का तो ले आगे बात। अब NaOH में हम लोग जानेंगे कि OH कितना है, तो Na plus और OH minus, इसमें OH की संख्या कितनी है, एक। अब इसका जब तो ले आगे बात निकालेगा तो ENaOH बराबर MnaOH बटा में कितना है। अब इसका अणुभार निकाल लीजिए, तो इसका अणुभार हमारे समझ से 40 होता है, आप लोग निकाल कर देख लेना, ये हो जाएगा 40। तो ये बेस का तुल्यांकी भार है, किसका तुल्यांकी भार है, बेस का। तो एसिड के लिए H+ आयन से भाग दे रहे थे एसिड का अणुभार निकाल कर, और बेस के लिए OH- से देख रहे थे। अब कोई लड़का क्वेश्चन करेगा कि सर अगर मान लेते हैं वह साल्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जिसमें H+ नहीं है OH- नहीं है तो उसका तुल्यांकी भार हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसके तुल्यांकी भार के लिए भी जैसे एग्जांपल हम यहां लेते हैं साल्ट को, किसको लेते हैं साल्ट। अब साल्ट को जब लेते हैं तो साल्ट में क्या करना होगा, तो उसमें आपको धनायन लिखना पड़ेगा, धनायन। तो धनायन लिखना होगा, तो धनायन के लिए आप लोगों को 11 क्लास में पढ़ाया गया है मेटल नॉन मेटल, पर मेटल जो कि पॉजिटिव आयन लगता है और नॉन मेटल नेगेटिव आयन लगता है, तब आप लोगों को याद करना होगा कि कौन सा उसमें मेटल है और कौन सा क्या है नॉन मेटल। इसके बाद इसको सारी सब करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट लवण तुल्यांकी भार। तो अब लवण का तुल्यांकी भार बराबर आपको पता है पीछे क्लास में कि लवण का अणुभार बटा में उसमें उपस्थित धन आयन पर धनावेश की संख्या, धन आयन पर धनावेश की संख्या। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम ले लेते हैं एग्जाम्पल जैसे NaCl, NaCl साल्ट हो गया, तो NaCl को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस। अगर आपसे अगर पूछा जाएगा कि NaCl बराबर, तो क्या बताइएगा M NaCl आप बटा में कितने वन, क्योंकि यह धनावेश है और धनावेश की संख्या कितनी है एक, धनावेश की संख्या कितनी है एक, तो एक से डिवाइड कर देंगे यानी इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 58.5 कितने 5 बटा 1 यानी इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 58.5। तो धनावेश में जो जितने धनावेश की संख्या रहेगा उस संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा साल्ट का। जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं CaCl2 एक और बार, तो CaCl2 को तोड़ते हैं हम तो Ca डबल प्लस और 2Cl माइनस हो गया ना। तो अब इसका अगर आपसे कोई पूछे कि CaCl2 बराबर, तो क्या बताएगा MCaCl2 आप बटा में कितना रखिएगा, बटा में कितना रख सकते हो, तो धनावेश की संख्या इसमें कितनी है 2, 2 पॉजिटिव चार्ज है इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी ये हो जाएगा आपका 111 बटा में, तो ये चूंकि हम 111 कहां से लिए इसका अनुपात निकाल लिए यानी ये हो गया 55.5। तो ये बेस वो इससे पहले एसिड इसके बाद बेस अब साल्ट। बहुत से लड़के कहेंगे सर आयन का तुल्यांकी भार कैसे होता है, किसका आयन के, देखो तुल्यांकी भार और भी टाइप से निकाला जाता है लेकिन अभी जो आप लोग का टॉपिक चल रहा है उसमें ये ही इंपॉर्टेंस और इतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब बात हम कह रहे हैं कि आवेश का आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो आयन के तुल्यांकी भार के लिए क्या होता है कि आयन का आयनिक भार बटा में उसमें उपस्थित आवेश की संख्या, जितने आवेश रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो वो आयन का हो जाएगा तुल्यांकी भार, किसका तुल्यांकी भार आयन का, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, आयन का तुल्यांकी भार। आयन का तुल्यांकी भार जैसे आपसे कोई पूछ दे कि SO4 माइनस माइनस इक्वल बार, तो कुछ नहीं करना है SO4 माइनस माइनस बराबर M SO4 माइनस माइनस बटा में कितने 2। अब यहां अगर 2 को प्लस रहता तब पर भी 2 ही लिखते हैं, 2 को माइनस रहता तब पर भी 2 ही लिखेंगे, अगर 1 को माइनस रहेगा तो 1, 2 को माइनस है 2, 3 को माइनस है तो 3। अब इसका अनुभार निकाल लीजिए आयनिक भार, तो ये हो जाएगा 96 बटा में 2 यानी कितने 48, यानी SO4 माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 48। जैसे हम आपसे कुछ PO4 ट्रिपल माइनस का तुल्यांकी भार, तो क्या करेंगे PO4 ट्रिपल माइनस बराबर M PO4 ट्रिपल माइनस
अब अठारह की धन तीन, क्योंकि इसमें आयन की संख्या कितनी है तीन, अब इसका होगा निकाल कर तीन से भाग कर दीजिएगा तो ये इसका तुल्य आयन भी भाग हो जाएगा। अब एक प्लस वाला भी लेते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि NH4 प्लस का तुल्य आयन भी भाग क्या होगा, किसका NH4 प्लस का, तो NH4 प्लस का जब तुल्य आयन भी भाग होगा तब फिर वही कुछ नहीं करना है, ये NH4 प्लस का लिखेगा M NH4 प्लस, अब अठारह कितना लिख दीजिएगा एक, कहाँ से लिख दीजिए क्योंकि इसमें धन आयन है और उसकी आयन की संख्या कितनी है एक, इसलिए एक हो गया, इसमें तीन था तो तीन हो गया, इसमें दो था तो इसमें क्या हो गया दो हो गया। तो इस तरह से आप निकालते हैं आयन का, या छोड़िए अगर आपको कोई पूछ ले कि Al ट्रिपल प्लस इक्वल यानी एल्यूमिनियम ट्रिपल आयन का तुल्य आयन भार क्या होगा, सिंपल सा एल्यूमिनियम ट्रिपल आयन का तब क्या करिएगा, ई ए एल ट्रिपल प्लस बराबर एल्यूमिनियम चूंकि अब एलिमेंट्स हो गया ना, अब ये कंपाउंड में नहीं है एलिमेंट्स है, इसका परमाणु भार कितना लिखेगा 27, एल्युमिनियम का 27 ही होता है, अब इसमें कितने से डिवाइड करेगा 3 को, चूंकि इस पर 3 का आवेश है तो ये 3, तो ये इसका तुल्य आयन भार 9 हो जाता है, कितना हो जाता है 9। अब वही अगर आपसे कोई पूछता है कि E Ca डबल प्लस इक्वल होगा इसका तुल्य आयन भार क्या होगा, तब कुछ नहीं करेंगे E Ca डबल प्लस बराबर इसका अणु भार 40 परमाणु है ना, चूंकि कैल्शियम और इसमें कितने आवेश 2, इससे दो से भाग कर दीजिए यानी इसका तुल्य आयन भार कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक ना, ये हो गया। और इसी तरह आपको ये आयन का है, इसी तरह आपको परमाणु का पूछ लिया जाएगा, जैसे आपसे कैल्शियम का पूछ लिया जाएगा कि कैल्शियम का तुल्य आयन भार क्या होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा, पोटेशियम का क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है कि उसका परमाणु भार बटा में उसकी संयोजकता, संयोजकता तो आप लोगों को पता ही है उसकी संयोजकता, तो अब संयोजकता जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का कोई पूछे तुल्य आयन भार क्या होगा तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है और उसकी संयोजकता कितनी होती है 2, तो 40 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उसका तुल्य आयन भार निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप 11 ये हम बता दिए क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा ताजा रहेगा तो आसानी से बता दीजिएगा। तो अब ये जो आप लोगों को हम बताए ये तुल्य आयन के भार बताए और हम लोग को पढ़ना क्या है नॉर्मलता, अब टॉपिक पर मेन आते हैं क्योंकि उसको पढ़ने के लिए इसको हम लोग पढ़ना था, ठीक ना। जैसे आप लोगों को बताइए मोलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का अनुभार, तो उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए ग्राम तुल्य आयन की संख्या बराबर तो पदार्थ का अनुभार बटा में उसकी तुल्य आयन की भार, क्या चीज ग्राम तुल्य आयन अगर आपसे कोई पूछे ग्राम तुल्य आयन की संख्या बराबर, ग्राम तुल्य आयन की संख्या बराबर तो ग्राम तुल्य आयन की संख्या बराबर क्या लिख दीजिएगा अणु भार, अणु भार नहीं मात्र पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बटा में तुल्य आयन की भार, तुल्य आयन की भार ये याद रखिएगा। अगर ये मोलों की संख्या रहता ग्राम मोलों की संख्या तो पदार्थ की मात्रा बटा में अणु भार, लेकिन तुल्य आयन की जब संख्या हो जाएगा पदार्थ की मात्रा बटा में तुल्य आयन की भार, ये ग्राम तुल्य आयन की संख्या निकालने के लिए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि कैसे इसको हम लोग जो उसका मेन टॉपिक है वह क्या कहता है, तो नॉर्मलिटी, 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 नॉर्मल मतलब लाए वाले की मतलब लिट्टी खाने वाला, समझ रहे हो, अब ये दिमाग मत लगा लेना आप लोग, नॉर्मलिटी तो नॉर्मलिटी मतलब कि ये मुलायम लिट्टी का चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी मतलब नॉर्मलता, इसको सामान्यता भी बोला जाता है, तो नॉर्मलता किसे कहते हैं हिंदी इसका जान लेते हैं नॉर्मलता, क्या चीज नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। तो देखिए नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, लिखते हैं निश्चित ताप पर, टेम्परेचर निश्चित रहेगा, निश्चित ताप पर किसी विलयन के, किसी विलयन के 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय के, विलेय के ग्राम तुल्य आयन की संख्या को, ग्राम तुल्य आयन की संख्या को, ग्राम तुल्य आयन की संख्या को नॉर्मलता या
नॉर्मल सांद्रण कहते हैं। कितनो नर्मदा किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नर्मदा कहते हैं। ये जी नर्मदा मोलरता में डिफरेंस जी यही के बात है। इसमें ग्राम तुल्यांक है और उसमें मोलों की संख्या है। किसकी संख्या है? मोलों की संख्या। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। उसको कैपिटल एन से इसको कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। नर्मदा को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, बुझा दो। और उसको कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि नर्मदा बराबर क्या होता है, नर्मदा बराबर आप लिख सकते हो विले के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा है विलयन का आयतन, आयतन लीटर में। अब आप मोलरता का जो वीडियो देखिएगा तो उसमें भी सेम लिखे हैं, बस यही डिफरेंस के लिए विलयन की मोलों की संख्या उसमें है और विलयन का आयतन लीटर में सेम। आप इसको आप चाहेंगे जब ये लीटर में है तो ऊपर 1000 नहीं रखेंगे, अगर नहीं मन है तो आप इसको लिख सकते हैं विलयन की के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या गुणे 1000 बटा में विलयन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब ये जब मिलीलीटर में रहेगा तो ऊपर 1000 से गुणा कर दीजिएगा। अच्छा चलिए, अब आपको सूत्र बताए हैं ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का तुल्यांक की मात्रा ना। तब आपसे कोई पूछे कि विलयन के ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर, जैसे मान लेते हैं यहां हम लिख देते हैं सूत्र ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या मतलब क्या होता है? पदार्थ की मात्रा बटा में पदार्थ का होगा, पदार्थ की तुल्यांक की मात्रा, ये होता है सूत्र तुल्यांक की भार। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इसमें विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या जब लिख सकते हैं पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का तुल्यांक की भार, तो हमारा यहां ये भी सूत्र हो जाएगा विलेय, यही जरा इसी सूत्र को जरा मिलेगा विलेय की मात्रा बटा में विलेय की तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार अपने गुणे विलयन का, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब लीटर में रहेगा तो ऊपर 1000 नहीं है, अगर मिलीलीटर में है तो आप लिख सकते हो विलेय की मात्रा गुणे 1000 बटा में विलेय की तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर। ठीक ना, तो ये हम लोग का तुल्यांकी भार नर्मदा निकालने का सूत्र है। तो नर्मदा पर आप क्या लिखिएगा? विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर, नहीं तो इसी को जब ये अगर आयतन मिलीलीटर में रहेगा तो ऊपर 1000 रख देंगे। आप 11 कर रहे हैं मोलरता का जब वीडियो निकाल कर देखिएगा तो मात्र थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, उसमें आप अणु भार लिए हैं इसमें तुल्यांकी भार लिए हैं, तो उसमें विलेय के मोलों की संख्या लिए हैं, इसे विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या लिए। अब देखिए इसको इतने बड़ा बड़ा वर्ड है ऐसे न लिखकर डायरेक्ट आप इसको इंडिकेट कर सकते हो। कैसे इंडिकेट कर सकते हैं शॉर्टकट में? तो हम विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा विलेय का आयतन है, तो हम मान लेते हैं कि विलेय का अणुभार क्या है? डब्लू है, सॉरी विलेय की मात्रा कितना है? डब्लू है, और तुल्यांक की भार क्या है? ए है। तो इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे भी डब्लू गुणे 1000 बटा में ई या गुणे क्या चीज भी इन मिलीलीटर। अब यहाँ डब्लू क्या इंडिकेट कर रहा है? विलेय की मात्रा को, और ई क्या इंडिकेट कर रहा है? तुल्यांक की भार, और भी क्या इंडिकेट कर रहा है? मोलों की यानी विलयन का आयतन मिलीलीटर नहीं, तो फिर यहाँ जब रहेगा तो डब्लू बटा में ई या गुणे क्या चीज इन लीटर, इन क्या चीज लीटर।
तो इस तरह से ये शॉर्ट हो जाता है हम लोग को हल करने का कि नॉर्मलता कैसे निकालते हैं। बस समझ रहे हैं आप लोग। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं, एक बार फिर से हम आपको रिपीट करेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता या सामान्यता कहते हैं। इसे कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब इसी को चेंज करते जाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें भी मोलारिटी की तरह दो चार नोट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नोट जो है समझ लो कि खत्म होने वाला नहीं है। ये नोट आप अपने पास रखोगे तो बहुत सारे नोट कमाओगे, इसलिए ये नोट को जरूर अपने पास सोच समझ कर रखना है। यानी अगर कोई मिस्टेक से भूल गया तो फिर कहानी भूल जाएगा अपने जिंदगी का नोट कमाने वाला, इसलिए इसको अच्छे से आप देखिएगा। ठीक, और याद रखिएगा नोट नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट वही पुरानी बात है, नॉर्मलता का इकाई मात्रक, नॉर्मलता का इकाई मात्रक मात्रक ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसको शॉर्ट में छोड़ दे सकते हो इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इक्विवेलेंट पर लीटर यानी तुल्यांक पर लीटर होता है नॉर्मलता का इकाई होता है। दूसरा नोट में दे सकते हो नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। अब मोलारिटी पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है, नॉर्मलता पर भी पड़ता है। क्यों नॉर्मलता पर पड़ता है, क्योंकि नॉर्मलता विलयन के आयतन पर डिपेंड करता है। आज जहां विलयन का आयतन आ गया तो विलयन का आयतन जो आयतन है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह ताप परिवर्तन यानी ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में भी शुरू में हम बोले कि किस निश्चित ताप पर, किस पर निश्चित, जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंस हो जाएगा, इस वजह से नॉर्मलता ताप के साथ परिवर्तित हो जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन मिलेगा तो उसको आसानी से बता दीजिए। तीसरा नोट्स में हो जाएगा तनु विलयनों के लिए, तनु विलयन के लिए, तो तनु विलयन के लिए फिर वही सूत्र होता है N1 V1 बराबर N2 V2। ठीक ना, ये तनुता से पहले है और ये तनु के बाद है। ये तनु विलयन के लिए N1 V1 बराबर N2 V2। N1 V1 N1 क्या है तो यानी पहले विलयन का नॉर्मलता है, V1 क्या है तो पहले विलयन का आयतन है, N2 क्या है तो दूसरे विलयन का नॉर्मलता है, V2 क्या है तो दूसरे विलयन का आयतन है। अब तीसरा का नोट कि अगर मान लेते हैं चौथा नोट, अब क्या है चौथा नोट में कि दो विलयनों को हम लोग मिश्रित कर रहे हैं तो उस मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या होगा। यदि दो विलयनों को हम लोग मिश्रित किए तो मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या होगा, तो उसके लिए देखिए क्या होता है, यहां लिख सकते हैं आप मिश्रित विलयन के नॉर्मलता, तो मिश्रित विलयन की नॉर्मलता तो n मिक्स हो जाएगा यानी n1 v1 + n2 v2 + .. बटा में n1 v1 + n2 v2। बस समझ गए, तो यह है मिक्स के लिए। जैसे कह रहा है कि मान लेते हैं ये एक पात्र है फर्स्ट और एक ये पात्र है, इस पात्र में जितने भी आयतन हैं मान लेते हैं V1 आयतन है और इसका नॉर्मलता निकालना है तो N1 आया, और इसमें जो है जो सॉल्यूशन ये है उसका नॉर्मलता निकालना है तो N2 आया है, और इसका आयतन क्या है V2 ऊपर है, कि दोनों पात्र को जब मिला लीजिएगा तो उसका नॉर्मलता क्या होगा। या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसमें एक और बता देते हैं, 3 को ले लेते हैं और एक ये भी आ गया इसमें, और यहाँ इस विलयन की नॉर्मलता N3 और आयतन V3। तीन भी सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, और कह रहा है कि तीनों को जब मिश्रित करिएगा तो मिश्रित करने के बाद एक नया मिलेगा ना, ये तीनों मिलाएंगे तो तीनों का नया मिल जाएगा ना, तो जो तीनों को जब नया मिलेगा तो उस विलयन का नॉर्मलता क्या होगा, उसके लिए कह रहा है कि अब इसके लिए आप लिखिएगा एन मिक्स बराबर, यानी मिश्रित विलयन की नॉर्मलता बराबर N1 V1 + N2
v2 प्लस n3 v3 प्लस डॉट नहीं, इसमें तीनों निश्चित है, तीन है, इसलिए v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये मिक्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, मिक्स सॉल्यूशन के लिए। तो ये नर्मदा था। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे, अब न्यूमेरिकल भी इस पर हम लोग वर्क करना है। एक दो छोटा छोटा आप लोग को एग्जांपल इसमें समझा देते हैं, इसका स्पेशल एक न्यूमेरिकल क्लास आप लोग को बनाएंगे और उस न्यूमेरिकल क्लास को पूरा देखिएगा तो फिर बहुत मजा आएगा इसका पढ़ने में, ठीक ना। तो ये है नॉर्मलता, क्या है नॉर्मलता। अगर कहीं आपको 5 कैपिटल एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझिएगा कि क्या होगा, नॉर्मल भी नॉर्मल हो गया, इसका मतलब ये बुलाए मत समझ। जैसे आपके पास हम तीन क्वेश्चन, 5 कैपिटल एम H2SO4, 5 स्मॉल एम H2SO4 और 5 कैपिटल एन H2SO4, ये तीनों लिखे हैं, इसका मतलब समझ जाएंगे आप लोग ना। इसका मतलब कि मोलरता, यानी ये मोलारिटी है, क्या है मोलारिटी, ये क्या है मोलालिटी, और ये क्या है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बस समझ गया। तो ये मोलारिटी कैपिटल है, मोलारिटी स्मॉल है और नॉर्मलिटी कैपिटल है। अब इसका मतलब कि मोलरता का क्या मतलब का आपको बताया था, मोल प्रति लीटर H2SO4, यहां लिखिएगा और यहां लिखिएगा 5 मोल प्रति केजी H2SO4 और इसका क्या लिखिएगा 5 ग्राम तुल्यांक प्रति ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर H2SO4। देखें तो इस दोनों का मोल पर डिपेंड कर रहा है, मिले के मोल रहे और इसे ग्राम तुल्यांक लिए हैं। तो ये चीज पहला है जिसको आप समझिए, एम एन दिया जाएगा तो दोनों में क्या मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आप लोग को इसका एक क्वेश्चन बता देते हैं, छोटा सा ऐसे स्पेशल जब क्लास लेंगे तो इसको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग के पास इसका आ जाएगा कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है तो इसकी सांद्रता, इसकी नॉर्मल सांद्रता क्या होगा, इसकी नॉर्मल सांद्रता क्या होगा, ठीक। ये हम लोग का क्वेश्चन होगा कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है तो इसकी नॉर्मल सांद्रता क्या होगा। अब ये कैसे बना रहे हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार H2SO4 की मात्रा दिया कितना 4.9 ग्राम। अब चूंकि ये मात्रा हो गया द्रव्यमान, विलयन का आयतन क्या हो गया, तो विलयन का आयतन आपको हो गया भाई कितने का, 500 मिलीलीटर का। ये विलयन का आयतन हो गया 500 मिलीलीटर का। इसके बाद कह रहा है कि नॉर्मलता इक्वल वाट। तो जब नॉर्मलता की बात आएगा तब आप आराम से, अब चूंकि हम लोग तुल्यांक की बात है तो यानी कि H2SO4 का तुल्यांक की भार, H2SO4 का तुल्यांक की भार, तो H2SO4 का अनुभार, H2SO4 का अनुभार बटा में क्या दो, ये तो कहां से लिए, क्योंकि इसमें H प्लस आयन की संख्या कितनी है, तो पीछे बताया है तुरंत, इसका अनुभार 98 और ये 2, ये कितना हो गया 49। अब ये 98 कहां से लिखा, मतलब चल रहा है ना H2SO4 का अनुभार निकल रहा है। अब कह रहा है नर्मदता, तो आप नर्मदता बराबर लिखे हैं सूत्र, विलेय की मात्रा को 1000, क्योंकि ये है इसलिए लिए क्योंकि ये मिलीलीटर में है, बटा में विलेय की तुल्यांकी भार अगुणे विलयन का आयतन, विलयन में क्या चीज आयतन मिलीलीटर में, ये चूंकि हम फॉर्मूला बताए। अब जब ये हो गया तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, ये 4.9 है, इसका मात्रा ये 1000 हो गया और ये कितना है भाई 49 है और ये कितना है 500 है, इस डेसिमल को नीचे लगा दीजिए, 30 से 30 49 कर दिया, 1/5 एन 0.2 कैपिटल एन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कैपिटल एन,
या इसको आप लिख सकते हो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर आंसर हो जाएगा। ये नर्मदा निकालने का सूत्र है। नर्मदा के लिए मिले की मात्रा हमने पहले ही बताया कि नर्मदा और मोलारता में क्या डिफरेंस है। यहां मिले का अणु भार रख देते हैं आप तो मोलारता निकाल लेते हैं और मिले का तुल्य की भार रख देते हैं तो नर्मदा निकल गई। ठीक ना, तो ये नर्मदा था। क्या था? नर्मदा था। नर्मदा किसे कहते हैं बताइएगा आराम से। नर्मदा का इकाई मात्रा, नर्मदा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, नर्मदा को हम कैसे वर्गीकृत किए हैं, कैसे प्रस्तुत किए हैं, इस पर किस तरह के न्यूमेरिकल बनेगा, ये चीज हो गया। मात्र इतने ही चीजों से आपका नर्मदा का काम चल जाएगा। अब इसी में आप लोगों को घुमा घुमा कर आपको जवाब दिया जाएगा, आपसे प्रश्न किया जाएगा। अब जो लड़का इतने चीजों को समझ गया तो उसके लिए आसान हो गया, जो नहीं समझा उसके लिए कठिन हो गया। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में आपको फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे कि यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दो फिजिकल यूनिट्स एंड केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट्स में स्ट्रेंथ पढ़ा दिए, मोलारिटी मोलालिटी और नॉर्मलिटी। आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे उसमें आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल बताएंगे, तीनों चारों टॉपिक का। और उसका जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो न्यूमेरिकल तभी आपको बनाने आएगा जब इस चारों टॉपिक का आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा। अगर थ्योरी अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल बनाने नहीं आएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हाय।